क्या आपने कभी सोचा है कि जब एटीएम मशीन से हम कैश निकालते हैं उस टाइम कुछ आवाज़ आता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? या फिर ये कि हम सपने में पढ़ नहीं सकते, ऐसा क्यों होता है? और मिसोफोनिया किसे कहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जादव और आप देख रहे हैं फैक्टिविटी जादव। ऐसे ही रैंडम इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मैं आपके लिए 9 ऐसे इंटरेस्टिंग वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ही काम की होगी और इंटरटेन भी करेगी। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है जो हमारे सोलेसेस हैं, सोलेसेस का जो सबसे पहला वाला हिस्सा रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे दरअसल अगलेट कहते हैं, जो कि प्लास्टिक या मेटल से कोटिंग किया रहता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है जो हमारे आईब्रोज हैं, आईब्रोज के बीच में जो खाली जगह है उसे क्या कहते हैं? उसे दरअसल ग्लावेला कहते हैं। क्या आपको गाने सुनना पसंद है? अगर गाने सुनना पसंद है तो आपने कभी नोटिस किया होगा जो हम गाने के लिरिक्स में ला 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 या फिर ना 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 होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दरअसल वोकेबल कहते हैं, जो कि गाने की सुर को बढ़ाने में मदद करता है। फैक्ट नंबर, क्या आपको टाइम वैल्यू के बारे में पता है? अगर 1 मिलीसेकंड का वैल्यू जानना हो तो उनसे पूछिए जिसने ओलंपिक में जाके सिल्वर मेडल ऑन किया है। अगर 1 सेकंड का वैल्यू जानना है तो उनसे जाके पूछिए जो अभी अभी एक्सीडेंट से बच के आए हो। अगर 1 मिनट का टाइम वैल्यू पता करना है तो उनसे जाके पूछिए जिसने अभी अभी ट्रेन मिस किया हो। अगर 1 घंटे का जानना हो तो उनसे पूछिए जो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। अगर 1 दिन का टाइम वैल्यू जानना हो तो उनसे जाके पूछिए जो दिन भर भूखा रहा हो। अगर 1 हफ्ते का वैल्यू जानना हो तो उनसे जाके पूछिए जो हॉस्पिटल में 1 हफ्ते से एडमिट हो। अगर 1 महीने का टाइम वैल्यू पता करना है तो उनसे जाके पूछिए जो अगले महीने का सैलरी नहीं मिला हो। अगर 1 ईयर की वैल्यू जानना हो तो उनसे जाके पूछिए जो अगले एनुअल एग्जाम में फेल हुआ हो। इसका मतलब यह है कि टाइम जो है हमारे बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए हमें हर समय थैंकफुल रहना चाहिए। और 1 मिलीसेकंड हमें भी दे दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हैक नंबर 5, एक स्टडी के हिसाब से पता चला है कि जो शॉर्टर पीपल होते हैं वे ज़्यादा वायलेंट और गुस्से वाले होते हैं कंपैरिजन टू लंबे लोग। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी को अपना बहुत क्लोज मानते हो उस टाइम जब वो टेक्स्ट कर रहा होता है या मैसेज कर रहा होता है तब आपका मैसेज पढ़ते टाइम आप उसकी आवाज़ को सुन रहे होते हैं अपने ब्रेन में। फैक्ट नंबर 7, अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो ये फैक्ट आपके लिए है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या आपको मालूम है आप दुनिया के ओनली 10% में से आते हैं जो कि आपको स्पेशल बनाता है। फैक्ट नंबर 8, आपको ये बात सुनकर यकीन नहीं होगा पर सच है, 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक दिन केवल 12 घंटे ही लंबा था। फैक्ट नंबर 9, जब आपको कोई दर्द हुआ रहता है तब क्या आपको पता है सिर्फ एफ वर्ड, अल्फाबेटिकली एफ वर्ड बोलने से आपका दर्द को सहने की शक्ति 33% तक बढ़ सकती है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है जब हम खाते समय या फिर सांस लेते समय जो आवाज़ करते हैं, जो आवाज़ से गुस्सा होते हैं ना लोग, उसे मिसोफोनिया कहते हैं, जो कि एक एक्चुअल में ब्रेन डिसऑर्डर है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है हम सपने में पढ़ नहीं सकते बिकॉज रीडिंग और ड्रीमिंग फंक्शंस जो हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से से कार्य करता है, जो कि ड्रीमिंग के टाइम रीडिंग को कोऑपरेट नहीं करता है। फैक्ट नंबर 12, से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले लाल बटन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको है कि जब एटीएम मशीन में कैश निकालते टाइम जो साउंड आता है वो आखिर क्यों आता है? ये जान लो कि एटीएम में जो साउंड आता है वो एक छोटा सा स्पीकर के जरिए आता है जो कि फेक साउंड है, सिर्फ और सिर्फ कैश निकालने वाले को सेटिस्फाई करने के लिए वो साउंड लगाया जाता है कि हाँ पैसे निकल रहा है करके। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगला वीडियो में मैं आपको 9 इंटरेस्टिंग वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ।